हाँ जी। तो दोस्तों, तो कैसे हो? सबके सब सब बढ़िया। तो जैसे आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्ले मेलोडिका इजीली, बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप मेलोडी का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मेरे हाथों में आपको दिख रही है, उसको हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं आसानी से इस वीडियो के थ्रू। बेसिक मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना दिया था, इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो, जो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन के ऊपर देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसमें मैंने उस वीडियो में मैंने सिंपली मेलोडिका का जो बेसिक रिव्यू दिया था कि भाई जो मेलोडिका इंस्ट्रूमेंट है वो है क्या, और मतलब ये मतलब जिन एकदम बिगिनर्स लोगों के लिए, जो जिनको मेलोडी का पता नहीं था, तो ये आप जैसे उसमें देख सकते हो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जिसमें मतलब आप ये जो आपको यहाँ पे पाइप जैसा दिख रहा है, उसको यहाँ से आप यहाँ पे अटैच करके, फिर यहाँ से अपनी जो एयर ब्लो करके, हवा को फूंक के, फिर वहाँ पे आप अपने अंगुलियों के इशारों से यहाँ पे प्ले कर सकते हो पियानो के टाइप, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि आपकी कोई भी गाना आप इसमें किस तरीके से प्ले कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मेलोडी का है, इसका बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूँ। एक ये 32 की मेलोडी का है जो मेरे पास है, और एक ये 33वां की एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पे भी ये जो कीबोर्ड है ये 61 कीज़ का है, लेकिन जो एक ये एक्स्ट्रा है कीज़, तो ये एक 32 कीज़ की मेलोडी का है और एक 36 कीज़ की भी होती है, जो दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हो। और जिनके पास है या फिर जिनको फ्यूचर में भी लेना है, तो वो इस वीडियो में तक बने रहिएगा, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर एक कुछ ना कुछ आइडिया देने की कोशिश करूँगा पूरे वीडियो में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप हवा को यहाँ से ब्लो करके फिर धीरे धीरे इस मेलोडी का वो प्ले कर सकते हैं। तो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था। तो इसमें हम जैसे कोई भी सॉन्ग ट्राई करें तो किस तरह करें, अगर एकदम नए बंदे हैं या फिर बाद में आगे कभी लेना है, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और मेन बात ये बिजली से नहीं चलती, इलेक्ट्रिसिटी इसको एकदम नहीं चाहिए। सेम हारमोनियम जैसे कहीं पे भी लेके घूम सकते हो, कैरी करने के लिए बैग भी है, कहीं पे भी इसको आसानी से लेके घूम सकते हो और जा सकते हो अपने मनोरंजन के हिसाब से, अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक तो देखो दो छोटी छोटी पाइप है, एक इतनी सी पाइप आती है जिसको यहाँ से ऐसे प्ले करके फिर इस तरह प्ले कर सकते हैं, और एक थोड़ी लंबी पाइप। तो इसको हम किस तरह, यहाँ से आपको अपने हिसाब से जितना जोर से आपको प्ले करना है उतना जोर से आपको यहाँ से अपना जो हवा को मतलब एयर ब्लो करनी है, और फिर वहाँ पे उस हिसाब से अंगुलियों को प्रेस करना है और प्ले करना है, ठीक है। जितना जोर से आप हवा प्ले जितने जोर से आप हवा को मतलब दोगे, उतना ज़्यादा जोर से बजेगा या उतना ज़्यादा धीरे, उस तरीके से वेरिएशन होगा। आप खुद प्ले करोगे तो ज़्यादा आपको आपको ज़्यादा अनुभव आएगा, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। तो जैसे हम कुछ भी ट्राई करते हैं, एक बार नॉर्मली सारे का मैं इसमें देखते हैं तो किस तरह, और जोर से प्ले करे तो फिर जोर से हवा देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। जिस हिसाब से आप हवा की मूवमेंट मतलब ऊपर नीचे करोगे, उस हिसाब से इसमें भी देखो पिच बेंड जैसे, मतलब एक अपने हिसाब से आप इसमें मतलब कर्ण स्वर या मतलब एक लहका जैसे आप डाल सकते हो अपने हवा के हिसाब से। जिस हिसाब से आप इसमें हवा दोगे उस हिसाब से ये प्ले होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। तो सब खेल आपके ऊपर है, और वैसे ही आप ही प्ले करोगे तो आपके ऊपर। तो इसमें जैसे हम कुछ भी ट्राई करें तो जैसे आज मैं शायद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 26 जनवरी से पहले, तो कुछ अपना देशभक्ति गीत इसमें ट्राई करते हैं, होप आपको पसंद आए। और धीरे धीरे आपको वन फिंगर से आपको बता भी दूंगा, जिससे अगर आप पियानो पे प्ले करो तो पियानो पे नहीं, इसके ऊपर किस तरीके से आपको हवा देना है और किस तरीके से आप आसानी से प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरह देखते हैं, फिर कैसे, इसमें आप जैसे देख सकते हो जैसे पियानो में नॉर्मली सुर होते हैं उसी तरीके से इसके ऊपर है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको पियानो भी सीखना है तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर लिंक आ गया होगा, वहां से मतलब देख सकते हो जो सुर है वो सेम ही, क्योंकि देखो दिखने में एकदम सेम है, वही एक सप्तक, दो सप्तक और ये तीसरा सप्तक आधा, और जो बड़ा मतलब इसमें जो बड़ी मेलोडी होती है उसमें सप्तक बड़े होते हैं, जो कीज की साइज में थोड़ी लंबी होती है। मेन इसकी बिल्ड क्वालिटी है जो मतलब ये काफ़ी मेरे को मजबूत है, ऐसे खिलौने जैसे ये नहीं है, ये मेन इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और मतलब आप कहीं पर भी इसको आसानी से क्योंकि कैरी करने के लिए, इसलिए उस हिसाब से आपको बेस्ट रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया इतना थोड़ा सा प्ले करें, इसको हम पियानो के ऊपर भी प्ले करते हैं, इसके ऊपर भी प्ले कर सकते हैं। हवा आप उस हिसाब से दीजिए जिस हिसाब से धीरे धीरे सुर प्ले हो रहे हैं,
ऐसा हो सकता है अगर आप एक बार में पूरा बजाने लगे तो सांस मतलब ऐसा खींच सकता है, इसलिए धीरे धीरे ट्राई कीजिए, लाइन को स्लो स्लो बजाइए और एकदम ऐसा लुप्त जैसा उठाइए, ठीक है? खुद का एक्सपीरियंस लीजिए और ज़्यादा मजा आएगा। तो आगे किस तरह, सेम उसी तरह। होप आपको पसंद आया, कुछ भूल चुको हो तो माफ कीजिएगा। तो इस तरीके से इसका ओरियो था, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस मेलोडी का के ऊपर और भी इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में जरूर से जरूर बताना, आपका कमेंट जरूर से जरूर वैल्यूबल रहता है। हाँ, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक टाइम दिया मुझे और आपने आपको। तो आशा करता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट पसंद आया होगा, और अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेना पहले जाके। हाँ, तो आगे अब आपको और किस टाइप की मतलब इस मेलोडिका के अकॉर्डिंग किस टाइप की वीडियो चाहिए वो अगर आप मेरे को जरूर से जरूर बताना नीचे कमेंट्स करके, और जरूर से जरूर मैं उस कमेंट्स को मतलब अपने मद्देनजर रखते आने वाले वीडियोस इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपका ओपिनियन है, जैसा भी आपका ओपिनियन है, जरूर से जरूर रखना। और आपको इस टाइप के और लेसन चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेलोडिका मेरा खुद का पर्सनल मेरे को एक अच्छा लगा, छोटा सा कैरी करने जैसा और पियानो जैसे साउंड भी है, और आप इस टाइप प्ले भी कर सकते हो इसको, और बिजली की भी बचत है, बिजली की बचत है एक्चुअली कि आप मतलब कहीं पर आउटडोर नहीं लेके जा सकते क्योंकि छतों पे तो मतलब कहीं पे भी गार्डन में कौन आपको बिजली ला के देगा तो वही बात होती है। तो बस होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटों में रुचि रखते हैं। तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।